माँ हो ना, उसके अगर चार बेटे हैं, उसके पांच बेटे हैं, तो घर की माँ बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंजिले को नहीं पिलाऊंगी, मंजिले को पिलाऊंगी तो संजिले को नहीं पिलाऊंगी, ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित है। एक माँ के चार बेटे, थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र ढाई घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक माँ के चार बेटे और माता के चारों बेटे को माँ पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख भी रही है, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर। अब माने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। माँ का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा। अम्मा 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के? कोई बैठ सकता है? नहीं। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। चार बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, चार बेटे, चारों के विचार अलग हैं, चार बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और चार बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण, वो कितना ग्रहण करा, उसने कितना लिया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बनाकर रखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहाँ सबके प्रति संभाव मेरे देवाधिदेव महादेव। सबके प्रति बस इतना जरूर है कि किसी के पास में धन ज्यादा है और किसी के पास में धन कम, इसमें दोष देवाधिदेव महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुसार। और मत बुरे कर्म कर बन।
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना अरे ओ अज्ञान मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है। हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना विभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आना। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज भोलेनाथ ने इसने बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और विभव दी। आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। जब विधानसभा का चुनाव हुआ